काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही घंटों बाद ये दोनों टावर जमीन दोस्त कर दिए जाएंगे। ब्लास्ट के जरिए 32 मंजिला इमारत को गिरते हुए दूर से देखना जितना हैरानी भरा होगा, पास रहने वालों के लिए ये तब तक आशंकाओं से भरा रहेगा जब तक सब कुछ ठीक से निपट नहीं जाता। जाहिर है ट्विन टावर के पास बनी एमरल्ड और एटीए सोसाइटी में रहने वालों के लिए रविवार का दिन दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि ये बुलंद इमारतें अब बस चंद घंटों की मेहमान हैं। कुछ ही घंटों बाद एक सिलसिलेवार और जबरदस्त धमाके के साथ आसमान को छूती बिल्डिंग एक मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। तो चलिए आज क्राइम तक पर आपको बताते हैं आखिर नोएडा में किन तरीकों से लाया गया 3,700 किलो का सबसे बड़ा बम। टावरों में सभी जगह करीब 3,700 किलो विस्फोटक लगाने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में रोजाना करीब 250 किलो विस्फोटक टावर में लगाया जा रहा था। ये काम सुबह करीब 4 बजे से शुरू हुआ। 100 किलोमीटर दूर पलवल से नोएडा पुलिस की सुरक्षा में विस्फोटक दो वैन में रोजाना नोएडा स्थित ट्विन टावर तक लाए जाते थे, वो भी बकायदा सेफ्टी के साथ। इतना ही नहीं बल्कि एक गाड़ी में डेटोनेटर और दूसरी गाड़ी में जिलेटिन रॉड रखकर ट्विन टावर तक पहुंचाया गया, जबकि तीसरी गाड़ी हमेशा पुलिस की सुरक्षा में तैनात रहती थी। आपको बता दें कि दोनों टावरों को बनाने में ईंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया था। इनकी दीवारें लोहे के पिलर के सहारे सीमेंट के घोल से बनाई गई थीं, जो कि बहुत ही मजबूत है। इन दोनों टावरों को बनाने में करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च आ चुका था। अब पल भर में 28 अगस्त के दिन गिरा दिए जाएंगे।